तो गाइस मैं कल निकला था अपने घर दिल्ली से 4 o'clock के अराउंड एंड मैं यहाँ पर 6 बजे के अराउंड पहुँचा था। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ घेरा विलेज के अंदर जो करेरी विलेज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ तक कार आ सकती है। आई कैन शो यू द रोड। ओके दीज आर द रोड्स एंड कार की रोड्स की कंडीशन मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। तो कार आ सकती है लेकिन यहाँ सेफली ड्राइव करना क्योंकि रोड्स की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है। रास्ते में वाटरफॉल्स भी मिले कुछ ऐसे दिखने वाले। यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय करा एंड इस टाइम आप व्यू देख सकते हैं। ये मेरा होटल है। मैं भी आपको अपने होटल का पूरा रूम दिखा दूंगा। ये इकलौता होटल है पूरे माउंटेन के ऊपर एंड इसका चार्ज हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको अभी ज़रा होटल दिखाता हूँ एंड दिस इज़ द व्यू। ये मेरे होटल के सामने से पूरा व्यू है एंड चलो अब मैं आपको होटल दिखाता हूँ अपने जो मुझे बेस्ट लगा। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आपको अगर करीरी विलेज जाना है ट्रेक करना है तो यही होटल को लो। तो गाइज मैं इस टाइम अपने होटल के पास पहुंच चुका हूं। कल रात को मैं इधर आया था तो मैं रात में व्लॉग नहीं कर पाया बट आई कैन शो यू कि यार यहां पे पार्किंग की प्रॉपर प्लेस है एंड दिस इज होटल हिमालयन पैराडाइज। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा एंड इट्स अ मल्टी स्टोरी होटल। तो अब मैं आपको होटल के अंदर का प्रॉपर व्यू दिखाता हूं और देखते हैं यार कैसा लगा। आई रियली लाइक दिस होटल। ओके जी होटल का रेस्टोरेंट रूम है प्रॉपरली बड़ा एंड लेट मी शो यू कि मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट कहाँ से करा है। तो गाइज यहाँ से आज हमने ब्रेकफास्ट करा है एंड दिस इज द व्यू। अमेजिंग यार अमेजिंग रियली। एंड अब मैं आपको रूम के व्यू दिखा देता हूँ। तो यार मैंने अपना रूम यहाँ पे बुक करा था तो मैं भी आपको रूम तक लेके जाता हूँ एंड लेट मी शो यू एवरीथिंग इन दैट। तो गाइज मैं अपने रूम तक पहुँच चुका हूँ एंड ये प्रॉपरली मेरा रूम था। कल रात में इसी में रुका था। वॉशरूम की कंडीशंस एंड टीवी तो यार हमने देखा नहीं तो मैं आपको जरा व्यू दिखाता हूँ। मैं यहाँ से उठा दिस वॉज द व्यू फ्रॉम माई रूम। आई सैट देयर एंड रीड सम बुक्स एंड लिसन सॉन्ग्स। सो तो दिस इज द टोटल व्यू यार। दिस वॉज सो अमेजिंग। जब आप सोकर उठे और यहाँ पे अपनी चाय पिए दिस इज रियली अमेजिंग। एंड उस साइड को जो पीछे आप देख सकते हैं वो ग्लेशियर्स है। तो यहाँ का टेम्परेचर रात में गर्मियों के अंदर भी 10 पहुँच जाता है 10-5। इट वॉज रियली नाइस। इस टाइम मैं खड़ा हूँ 4th फ्लोर पे एंड दिस वॉज द डीलक्स रूम फ्रॉम माई होटल। तो भाई चलो चलते हैं यार। अब पूरा हो चुका है और सुबह के 11 बजे हम करीरी विलेज के लिए निकलते हैं। सो दैट्स इट। अब मैं थोड़ी अपने यार कार निकाल लेता हूँ। करीरी विलेज उधर है उस पहाड़ के पीछे की तरफ। तो यार ये मेरी गाड़ी है जिसका मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था इसको हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आते तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू कम हेयर बट हाँ यू कैन ईजिली ड्राइव अगर आपको माउंटेन्स से मोटिशन सिकनेस नहीं होती। सो लेट्स बिगिन एंड अब मैं अपनी गाड़ी निकाल के चलते हैं।